बहरीबंद तहसील के बाकल क्षेत्र में नरवाई जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं खेतों की नरवाई में लगी आग अचानक एक बाड़े तक पहुंच गई और बाड़े में रखा भूसा और पराली में आग लग गई। यहां रखा अनाज भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने की खबर से लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि तुरंत घटना की जानकारी लोगों तक लग गई। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड की टीम 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें, बहरीबंद क्षेत्र में हर साल आगजनी की घटना घटती है, जिसके चलते एक फायर ब्रिगेड वाहन तैनात करने की मांग उठती रहती है। इसके बावजूद कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देता। बहरीबंद में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बाकल के मसंदा केंद्र पर गेहूं की खरीदी हो रही है। खरीदी केंद्र से ट्रकों में गेहूं की लोडिंग की जाती है, जो सलीमाबाद भेजे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वेयर हाउस में गेहूं का वजन कम निकल रहा है। खरीदी केंद्र के प्रभारी चमन झारिया को बाला ट्रांसपोर्ट के क्लीनर और ड्राइवर पर शक हुआ। उन्होंने अपने मुखबिर को लगा दिया। खरीदी केंद्र से 3 ट्रक गेहूं से लोड कर धर्मकांटा भेजे गए, लेकिन मुकाम से पहले ही ट्रक रुक गए। एक पिकअप आई और 8 बोरी गेहूं से उतारकर रोड के साइड में फेंक दिए गए। मुखबिर की सूचना पर अधिकारियों ने दबिश दी तो ट्रक और पिकअप के ड्राइवर फरार हो गए। इस गड़बड़ झाले की शिकायत आला अधिकारियों से की गई है। हम लोग आए तो बैठे रहे, हमारी गाड़ियों का वजन घटता रहा, तो हम लोग सोचे यार कि ऐसा तो नहीं कि लोग बैठते हैं, तो हम लोग आके बैठ गए यहाँ। तो यहाँ ट्रक खड़े हुए और ये कट्टी काटते रहे, यार एक पिकअप आया सो यहाँ खड़ा हुआ, उसमें कुछ कट्टी लादते रहे। जब तक हम लोग आए खड़े हुए यहाँ पर और से देखे कट्टी लाद रहे हैं, फिर अब इतने के बीच में लोग भाग लिए। कहाँ काम करते हैं? वही मसंदा के सोहाटी में रहते हैं। और निकले हम कांटा भी कराए, बराबर वजन निकला, तो हमको शक हुई। और एक पहले से केवलारी खरीदी केंद्र से हमको मिला ही जानकारी कि गाड़ी वाड़ी चोरी करते हैं,